नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ ऋषिकेश, जो कि एक धार्मिक स्थान होने के साथ साथ रिवर राफ्टिंग लवर्स के लिए बहुत ही फेमस जगह भी है। चलिए तो मैं आपको आज बताऊंगा मेरी पर्सनल रिवर राफ्टिंग जर्नी एंड एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप ऋषिकेश पहुंचकर रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आपको रिवर राफ्टिंग ऑफिसेस में विजिट करना होगा, जो कि गंगा घाट के किनारे बहुत सारे अलग अलग एडवेंचर ऑफिसेस बने हुए हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन प्री बुक कराकर भी यहां पर राफ्टिंग के लिए आ सकते हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आप वहां पहुंचकर ही रिवर राफ्टिंग के लिए ऑफिसेस ढूंढें, क्योंकि वहां पहुंचकर ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आप देख सकते हैं राफ्टिंग करते हुए हम कितना एंजॉय कर रहे थे, और हर इंसान के जीवन में एक बार कम से कम राफ्टिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। रिवर राफ्टिंग के लिए यहाँ पर चार ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जो कि किलोमीटर वाइज होते हैं, या आप 9 किलोमीटर चूज़ कर सकते हैं, 16 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 35 किलोमीटर। बट आई थिंक 9 किलोमीटर भी सफिशिएंट होती है आपको ये रिवर राफ्टिंग एक्सपीरियंस करने के लिए। हमने यहाँ पर 9 किलोमीटर वाला ऑप्शन चूज़ किया था, और जिसमें हमें 600 रुपये पर पर्सन कॉस्ट आया था। अगर आप ज़्यादा लोग ग्रुप में वहाँ पर जा रहे हैं तो आप प्राइस के लिए बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, बार्गेनिंग पॉसिबल होती है। चलिए राफ्टिंग के लिए सारा प्रोसेस मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले आपको एडवेंचर ऑफिसेस जाके राफ्टिंग ऑप्शन चूज करके बुक करना होगा। फिर इनके जो मेंबर्स होते हैं वो आपको इनकी पर्सनल कार में या जीप में राफ्ट के साथ जो राफ्टिंग पॉइंट है वहाँ पर लेके जाएंगे। अगर आप 9 किलोमीटर चूज़ करते हैं तो या तो 9 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे, 15-16 किलोमीटर चूज़ करते हैं तो उतना दूर लेके जाके वो पॉइंट पर लेके जाके ये छोड़ देते हैं। फिर वहाँ पर आपको इनका जो कैप्टन होता है, जो राफ्टिंग में गाइड करता है, वो आपको आगे राफ्टिंग कराता है। लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि ये राफ्टिंग बहुत ही रिस्की होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर जो राफ्टिंग कराने वाले होते हैं वो लोग सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। आपको राफ्टिंग में जाने से पहले लाइफ जैकेट दी जाती है, जिससे कि आप डूबते नहीं हैं। लाइफ जैकेट के साथ साथ आपको एक हेलमेट भी दिया जाता है, जिससे कि अगर पत्थर वगैरह में कभी अगर टकरा जाते हैं तो वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। आपके पास जो भी पर्सनल चीज़ें होती हैं, लाइक मोबाइल या वॉलेट वगैरह, उसके लिए वो आपको एक पैकेट देते हैं जिसमें सारी चीज़ें रखते हैं और जो कि पूरी सिक्योर होती हैं, इसमें पानी वगैरह नहीं जाता है।
तो आपको मोबाइल या वॉलेट को लेके कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो राफ्टिंग कराने वाले कैप्टन होते हैं वो आपको नदी में जंप करने को बोलते हैं, और इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, बल्कि मैं कहूँगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने को मिलेगा ये सब एक्टिविटी करने से। नदी में जंप करने के दौरान अगर आप राफ्ट से आगे निकल जाते हैं बहाव के साथ, या राफ्ट आगे निकल जाती है आप पीछे रह जाते हैं, तो इसमें भी आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एक रस्सी होती है, वो नदी में रस्सी फेंक कर आपको वापस राफ्ट के पास ले आते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ज़रा भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ की ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जब भी आप नदी में जंप करें तो नदी के बीच में ही रहें, नदी के किनारे पर ना जाएं, क्योंकि वहाँ पत्थर होते हैं और उनसे टकराने का रिस्क बना रहता है। तो इस तरीके से आप ऋषिकेश में जाकर रिवर राफ्टिंग एंजॉय कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आप राफ्टिंग के लिए जाएं तो मौसम खुला हो और अच्छा बना हो, ख़राब मौसम में रिवर राफ्टिंग करना अवॉइड करें। राफ्टिंग करते हुए आपको गंगा के दोनों साइड घाटों का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। काफ़ी सारे मंदिर गंगा घाटों पर बने हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करने का, और मेरे ख्याल से
हर इंसान को कभी ना कभी कम से कम एक बार ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग इंजॉय जरूर करना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आप रिवर राफ्टिंग एंजॉय करना चाहते हैं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।